हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग आर के मुखर्जी और उनके साथ साथ एम के गांधी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग क्लियर बताइए, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं? ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। सो एक अनाउंसमेंट है, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि 10% ऑफ चल रहा है सारे कोर्स में। उसके साथ साथ आपको एक बुक, एक नोटबुक और एक पेन जो है ऑफर में दी जा रही है। सो जिन्होंने भी अभी कोर्स नहीं लिया है वो बेस्ट टाइम है, ले सकते हैं कोर्स को। और दूसरा ये है कि जो कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं वो रेफरल कोड यूज कर लें अलीम 10 का, जिनसे उनको जो है एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग राधा कमल मुखर्जी के बारे में देखेंगे और इनके सारे कॉन्सेप्ट जो सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राधा कमल मुखर्जी, अ लीडिंग थिंकर एंड सोशल साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये जो है लीडिंग थिंकर और सोशल साइंटिस्ट थे किसके, मॉडर्न इंडिया के। वॉइस प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी एंड वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक, तो ये जो है इकोनॉमिक और सोशोलॉजी के प्रोफेसर थे और वाइस चांसलर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के। मुखर्जी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो इनका बॉर्न हुआ था 7 दिसंबर 1889 और डेथ हुई थी इनकी 24 अगस्त 1968। मुर्शिदाबाद में ये पैदा हुए थे और लखनऊ में इनकी डेथ हुई थी। बुक्स इनकी हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, रीजनल सोशोलॉजी एंड मोर। बुक के बारे में हम लोग देखेंगे, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी के फाउंडर थे ये। ठीक, सामाजिक पारिस्थितिकी के फाउंडर थे, संस्थापक थे। फॉर हिम सोशल इकोलॉजी वॉज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन इन विच अ नंबर ऑफ सोशल साइंसेस इंट्रैक्ट। तो सोशल इकोलॉजी क्या है, जिसमें एक फॉर्मुलेशन है जिसमें नंबर ऑफ सोशल साइंसेस एक साथ इंट्रैक्ट करती हैं, उसी को इन्होंने नाम दिया सोशल इकोलॉजी का। उनके लिए सामाजिक पारिस्थितिकी एक जटिल सूत्रीकरण था। ठीक, तो एक जटिल सूत्रीकरण था जिसमें कई सामाजिक विज्ञान परस्पर क्रिया करते थे। ठीक, जिसमें कई सामाजिक विज्ञान जो है परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द जियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस एन इकोलॉजिकल जोन। तो क्या क्या होता है, जियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर जो है एक साथ काम करते हैं किसी भी इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल जोन को प्रोड्यूस करने के लिए। एन इस टर्न इकोलॉजी इज कंडीशन बाई सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल फैक्टर। ठीक, इकोलॉजी कैसे बनाई जाती है, कैसे कंडीशन में आती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और
जैविक कारकों ने मिलकर एक पारिस्थितिकी क्षेत्र का निर्माण किया है। इसके बदले में पारिस्थितिकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों से वातानुकूलित है। मतलब उसी के जरिए ये इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से इन पे असर पड़ता है। सबसे पहले आता है डिफॉरेस्टेशन हैज क्रिएटेड हॉक। ठीक, हॉक कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज क्रिएटेड हॉक, वनों की कटाई ने तबाही मचा रखी है। हॉक मतलब होता है तबाही मचाना। ठीक, तो ये लॉन्ग बैक मुखर्जी कंटिन्यूड हिज कंट्रीमैन अगेंस्ट इट, कॉशन हिज कंट्रीमैन अगेंस्ट इट। मुखर्जी ने मतलब एक अपनी कंट्री के लोगों को इसके खिलाफ जो है आगाह किया। ठीक, ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो है अगेंस्ट है फॉरेस्ट के कटाई के लिए। ठीक, और ये कहते हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है और अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना जरूरी है। तो जब तक ट्रीज नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तब तक आपका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना नहीं रहेगा। ठीक, वनों की कटाई ने तबाही मचा दी है। बहुत पहले मुखर्जी ने अपने देशवासियों को इसके प्रति आगाह किया था। उन्होंने वनों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण की पुरजोर वकालत की थी। तो वो कहते हैं कि वनों का संरक्षण करना चाहिए और आपका जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी जो है उसका संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी ये भी आर के मुखर्जी ने यूज किया है, जिसको ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा जाता है। समाजशास्त्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण या ट्रांस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो राधा कमल मुखर्जी एम्फेसाइज इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी अप्रोच टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो लाइफ को समझने के लिए इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। इंटर डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग डिसिप्लिन को लेकर साथ चलना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सारे डिसिप्लिन को मिलाकर साथ चलना चाहिए। ठीक, राधा कमल मुखर्जी ने जीवन को समझने के लिए अंततः विषय अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया है। विषय अनुशासनात्मक मतलब क्या होता है कि कई विषय को लेकर साथ चलना चाहिए। किसी भी लाइफ को, किसी भी जीवन को समझने के लिए आप सिर्फ एक विषय के जरिए नहीं समझ पाएंगे, बल्कि कई विषय को साथ मिलाकर चलना चाहिए। मुखर्जी सॉट टू ब्रेक द बैरियर्स बिटवीन फिजिकल साइंसेस एंड साइंसेस रिलेटिंग टू पर्सन्स एस्पेक्ट। ठीक, तो मुखर्जी क्या करना चाहते थे, बैरियर मिटाना चाह रहे थे जो फिजिकल साइंस के बीच में और जो पर्सन से रिलेटेड साइंसेस थी उनके बीच में जो एक बैरियर बन गया था, एक मतलब क्या कहेंगे, एक रुकावट जो बन गई थी उसको ये खत्म करना चाहते थे। ठीक, मुखर्जी ने भौतिक विज्ञानों और व्यक्तियों के पहलुओं से संबंधित विज्ञानों के बीच की बाधाओं को तोड़ने का प्रयास करते थे। तो ऐसी विज्ञान जो भौतिक विज्ञान थी और जो व्यक्ति के पहलुओं से संबंधित विज्ञान थी, इन दोनों के बीच में जो भी बाधाएं थी उसको खत्म करने का, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं मुखर्जी। ठीक, फोकस ऑन एडल्ट एजुकेशन, ये ज्यादातर फोकस करते हैं किस पे, एडल्ट एजुकेशन पे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक, प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया है इन्होंने। इन्होंने ज्यादातर जो है प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन पर ज्यादातर इन्होंने जोर दिया है। ठीक, रीजनल सोशोलॉजी की बात करते हैं आर के मुखर्जी। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है इनका और इससे रिलेटेड बुक्स भी हैं इनकी, रीजनल सोशोलॉजी से रिलेटेड, क्षेत्रीय समाजशास्त्र, जिसमें ये क्या कहना चाहते हैं, राधा कमल मुखर्जी इंटरेस्ट इन सोशल इकोलॉजी लेड हिम टू द स्टडी ऑफ रीजन इन इंडिया। तो जो उनका इंटरेस्ट था सोशल इकोलॉजी को पढ़ने का, उसकी वजह से जो है इनके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो जो है इंडिया के अलग अलग रीजन की स्टडी करें। ही कॉल्ड दिस स्टडी रीजनल सोशोलॉजी, और इस स्टडी को उन्होंने क्या नाम दिया, रीजनल सोशोलॉजी का नाम दिया। जब आप अलग अलग रीजन की स्टडी करते हैं, मतलब इंडिया के या सोसाइटी के या किसी भी कंट्री के अलग अलग रीजन की जब आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रीजनल सोशोलॉजी कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर आप जो है इंडिया में यूपी की स्टडी कर रहे हैं तो यूपी क्या है, एक तरह का इंडिया का रीजन है। ठीक,
तो ये क्या हो गया, एक रीजनल सोशियोलॉजी हो गया, रीजनल स्टडी है। उसी रीजनल स्टडी को आर के मुखर्जी ने नाम दिया था रीजनल सोशियोलॉजी का। ठीक, राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक परिस्थितिकी में रुचि ने उन्हें भारत में क्षेत्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। ठीक, तो जो उनकी मतलब जो रुचि थी किसमें, सामाजिक परिस्थितिकी में थी, और इसी रुचि की वजह से उनको जो है प्रेरणा मिली कि वो जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करें, और उस अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन को उन्होंने नाम दिया था, अध्ययन को क्षेत्रीय समाजशास्त्र कहा। ठीक, तो उन्होंने नाम दिया क्षेत्रीय समाजशास्त्र का। ठीक, तो जो अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन है, जब आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो उन क्षेत्रों के अध्ययन को उन्होंने क्या कहा, ये क्षेत्रीय समाजशास्त्र है। ठीक, क्षेत्रीय समाजशास्त्र का नाम दिया उसने। अकॉर्डिंग टू मुखर्जी, इफ द रीजन इन मॉडर्न इंडिया वर डेवलप टू द एक्सटेंट दैट दे बिकेम सेल्फ सफिशियंट, देन इंडिया विल बेनिफिट एज अ होल। ठीक, तो मुखर्जी का ये मानना था, जैसे गांधी जी का भी मानना था कि विलेज को जो है सेल्फ सफिशियंट होना चाहिए, इसी तरह मुखर्जी का भी ये मानना था कि जो इंडिया के अलग अलग रीजन हैं, अगर जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट हो जाते हैं, इतना डेवलप हो जाए कि अपने आप में वो सेल्फ सफिशियंट हो जाए, मतलब सेल्फ सफिशियंट का मतलब होता है, सेल्फ सफिशियंट मतलब कि उनकी जो सारी जरूरतें हैं वो उसी रीजन से पूरी हो जाती, किसी भी तरह की जरूरत जो है वो उसी रीजन से अगर पूरी हो जा रही है, तो अगर इंडिया के रीजन इस एक्सटेंड तक डेवलप हो जाते हैं कि वो सेल्फ सफिशियंट हो जाए, तो वो जो है पूरी इंडिया को फायदा पहुंचाएगा। ठीक, मुखर्जी के अनुसार यदि आधुनिक भारत में क्षेत्रों को इस हद तक विकसित कर दिया जाए कि वे आत्मनिर्भर बन जाएं, तो भारत को समग्र रूप से लाभ होगा। ठीक, तो उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने ये कहा कि अगर जो है जो आधुनिक भारत है उसमें जो क्षेत्र हैं वो इस हद तक विकसित हो जाएं कि अपने आप में जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएं। ठीक, अपने आप में वो जो है आत्मनिर्भर हो जाएं, तो भारत को पूरे मतलब समग्र रूप से लाभ होगा। समग्र रूप से मतलब बहुत ही पूरी तरीके से लाभ होगा, ये कह सकते हैं इसको। ठीक, पूरी तरीके से भारत को लाभ होगा। ठीक, तो ये कहते हैं कि भारत में जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अगर वो इतना विकसित हो जाएं कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, तो भारत को इससे बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैल्यू। वैल्यू के बारे में क्या बात करते हैं आर के मुखर्जी, मूल्य के बारे में क्या बात करते हैं आर के मुखर्जी, देखते हैं हम लोग। सो मुखर्जी अंडरलाइन टू बेसिक पॉइंट इन रिलेशन टू वैल्यूज। तो मुखर्जी ने दो बेसिक पॉइंट बताया है वैल्यू के रिलेशन में। ठीक, तो वो कौन कौन से पॉइंट थे, फर्स्टली वैल्यूज आर नॉट लिमिटेड ओनली टू रीजन आर इथिक्स। ठीक, तो वैल्यू जो है वो किसी एक रीजन के लिए लिमिटेड नहीं होते हैं, या किसी इथिक्स के लिए जो वो लिमिटेड नहीं होते। ठीक, इकोनॉमिक्स किसी रीजन, किसी एथिक्स, किसी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड लॉ आल्सो गिव राइज टू वैल्यूज। ठीक, तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड लॉ जो है वो उसकी वजह से जो है वैल्यू मतलब वैल्यू का डेवलपमेंट होता है। ठीक, मुखर्जी ने मूल्यों के संबंध में दो बुनियादी बातों को रेखांकित किया है। तो मुखर्जी ने मूल्यों के संबंध में दो बुनियादी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात क्या है कि मूल केवल धर्म या नैतिकता तक ही सीमित नहीं है। ठीक, ये रिलीजन है, रीजन नहीं है। ठीक है, तो मुखर्जी ने ये कहा कि जो वैल्यू है वो रिलीजन और एथिक्स तक ही सीमित नहीं है। ठीक, तो मूल्य जो है वो केवल धर्म या नैतिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून भी मूल्यों को जन्म देते हैं। तो अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून भी मूल्यों को जन्म देते हैं। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा ये मतलब है, अच्छा वैल्यू से पहले वाली लाइन,
तो अकॉर्डिंग टू मुखर्जी, इफ द रीजन इन मॉडर्न इंडिया वर डेवलप टू द एक्सटेंट दैट दे बिकेम सेल्फ सफिशियंट, देन इंडिया विल बेनिफिट एज अ होल। मतलब ये कहते हैं कि जो इंडिया के अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो इतना डेवलप हो जाए कि अपने आप में सेल्फ सफिशियंट हो जाए। सेल्फ सफिशियंट मतलब कि इस तरह से डेवलप हो जाए कि उनकी सारी जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वो उसी रीजन से ही पूरी हो रही हैं। तो अगर इस एक्सटेंट तक डेवलपमेंट होता है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स का, तो इंडिया जो है पूरी तरीके से एज अ होल बेनिफिट होगा उससे। ठीक, मतलब उसको, इंडिया को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये कहते हैं कि अगर जो इंडिया के, जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, वो इस हद तक जो है विकसित हो जाए कि आत्मनिर्भर हो जाए, ठीक, इस हद तक विकसित हो जाए कि आत्मनिर्भर हो जाए, तो भारत को उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है वैल्यू। मुखर्जी अंडरलाइन टू बेसिक पॉइंट इन रिलेशन टू वैल्यूज। तो वैल्यू के रिलेशन में उन्होंने दो बेसिक पॉइंट बताए हैं। पहला क्या है, वैल्यू आर नॉट लिमिटेड ओनली टू रिलीजन और इथिक्स। तो वैल्यू जो है वो सिर्फ रिलीजन और इथिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड लॉ भी जो है वैल्यू को जन्म देते हैं, उसको भी राइज करते हैं। ठीक, मुखर्जी ने मूल्यों के संबंध में दो बुनियादी बातें बताई हैं। ठीक, सबसे पहले मूल केवल धर्म या नैतिकता तक ही सीमित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो मूल्य हैं वो धर्म और नैतिकता से ही आते हैं, बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून भी मूल्यों को जन्म देते हैं। ठीक, तो अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की वजह से भी मूल डेवलप होते हैं, यानी कि मूल्यों का जन्म होता है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में इसको समझे तो ह्यूमन नीड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोशल वैल्यूज। तो ह्यूमन नीड्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है सोशल वैल्यूज की। जैसी आपकी नीड होती है वैसी सोशल वैल्यूज में ट्रांसफर किया जाता है, एंड आर इंटरनलाइज इन द माइंड ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। और जो वैल्यूज होती हैं वो जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उनके माइंड में डाल दिया जाता है कि आपको इसी वैल्यू के बेस पे काम करना है। ठीक, दूसरे शब्दों में मानवीय आवश्यकताएं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो जाती हैं। तो ये जो इकोनॉमी है, लॉ है, पॉलिटिक्स है, ये क्या है, जो अर्थशास्त्र है, कानून है, या जो है राजनीति है, ये सब क्या है, लोगों की जरूरतें हैं, मानवीय आवश्यकताएं हैं। तो इन मानवीय आवश्यकताओं की वजह से ही सामाजिक मूल्यों का जो है डेवलपमेंट होता है, और जो समाज के मूल्य होते हैं वो लोगों के, सदस्यों के, जो समाज के सदस्य होते हैं उनके अंदर जो है आंतरिक हो जाती हैं, आंतरिक उनके मन में जो है आंतरिक हो जाती हैं, मतलब उनके मन में डाल दिया जाता है एक तरह से। मतलब ये है कि उनको सिखा दिया जाता है कि ये आपके मूल्य हैं और इसी मूल्यों के बेसिस पे आपको काम करना। अकॉर्डिंग टू राधा कमल मुखर्जी, तो राधा कमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग क्या है, वैल्यूज मे बी डिफाइंड एज सोशली अप्रूव्ड डिजायर। तो वैल्यूज मे बी डिफाइंड एज सोशली अप्रूव्ड डिजायर। ठीक, तो वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, सोशली अप्रूव्ड डिजायर। सोशली अप्रूव मतलब कि ऐसी डिजायर, ऐसी चाहत जो समाज एक्सेप्ट करता हो, सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो, एंड गोल दैट आर इंटरनलाइज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग और सोशलाइजेशन। ठीक, डिजायर या गोल जो सोशली अप्रूव्ड हो, मतलब जिसको सोसाइटी मानती हो, ठीक, और जो है जो क्या है इंटरनलाइज की जाती हो किस सोशलाइजेशन के जरिए। ठीक, माइंड में आपके जो है इंटरनलाइज कैसे की जाती हो, सोशलाइजेशन के जरिए। तो जो भी हम वैल्यूज सीखते हैं वो किसके जरिए सीखते हैं, वो सोशलाइजेशन के जरिए ही सीखते हैं। ठीक, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो मूल्यों को अगर आपको परिभाषा बताना है तो मुखर्जी के अकॉर्डिंग ये है कि ये क्या है, सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं हैं या लक्ष्य। ठीक, तो ऐसे लक्ष्य या ऐसी इच्छा जो समाज ने स्वीकार किया हो, तो उस रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, और जिसको सीखने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक, समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी के मन में ये सारे मूल्य को आंतरिक किया जाता है। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। पर्सनालिटी में क्या कहते हैं ये, व्यक्तित्व में क्या कहते हैं ये, राधा कमल मुखर्जी इन हिज बुक पर्सनालिटी। तो बुक भी इनकी एक है पर्सनालिटी,
पर्सनालिटी नाम की एक बुक भी है इनकी, राधा कमल व्यूज पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल एज एन एजेंट। तो इन्होंने पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल को एक एजेंट माना है जो क्या काम करता है, हु टेक्स डिसीजन एंड मेक्स चॉइसेस, जो क्या करता है, डिसीजन लेता है और चॉइसेस बनाता है। चॉइसेस बनाता है मतलब कि चॉइस करता है, किसी चीज को चूज करता है, ठीक, एंड सीक्स वैल्यू फुलफिलमेंट, और चाहता है कि जो वैल्यू है उसका फुलफिलमेंट किया जा सके, मतलब कि वैल्यू के बेस पे ही वो अपने डिसीजन लेता है और अपनी चॉइस बताता है, ठीक। अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में राधा कमल व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक एजेंट के रूप में देखते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक एजेंट के रूप में देखते हैं, कौन सी बुक में, पर्सनालिटी, ठीक, जो निर्णय लेता है, और ये जो व्यक्तित्व है वो क्या करता है, निर्णय लेता है और विकल्प बनाता है, ठीक, और मूल पूर्ति की तलाश करता है, और तलाश करता है कि कैसे जो मूल्य है उनको पूरा किया जा सके, ठीक, जो मूल्य है उनको कैसे पूरा किया जा सके इसकी भी तलाश में लगा रहता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात किया है इन्होंने। ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या होता है, मानव सभ्यता। ही प्रपोजेस दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड बी स्टडीड एट थ्री इंटर रिलेटेड लेवल। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को तीन इंटर रिलेटेड लेवल्स में स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। उनका प्रस्ताव है कि मानव सभ्यता का अध्ययन तीन परस्पर संबंधित स्तरों पर किया जा सकता है, ठीक। परस्पर संबंधित मतलब सब एक साथ एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो लेवल है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे स्टडी किया जा सकता है, कौन कौन से तीन लेवल हैं, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, सबसे पहले जो है आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के जरिए स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन के जरिए स्टडी कर सकते हैं, फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन से आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये तीन लेवल से आप जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं, जैविक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आयाम, ठीक। तो ये तीन स्तरों के जरिए आप जो है ह्यूमन जो मानव सभ्यता है उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो बस होता है, BUS, बस, ठीक। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यूनिवर्सलाइजेशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। बुक्स इनकी ज्यादा हैं थोड़ा। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले जो बुक है वो क्या है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई 1916 में, दूसरी बुक है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ज्यादातर इन्होंने रूरल और रीजनल स्टडी किया है, तो इससे भी आप पता पा सकते हैं कि ये राधा कमल मुखर्जी की बुक है। इकोनॉमी की बात ज्यादातर इन्होंने किया है, तो यहाँ पे देखिए द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926, रीजनल सोशियोलॉजी 1926, रीजनल सोशियोलॉजी का नाम भी इन्होंने दिया था, ठीक, कि अगर आप जो है रीजन की स्टडी करते हैं, भारत के अलग अलग रीजन की स्टडी करते हैं, इनके लेवल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेवल सिर्फ आपसे ये पूछता है कौन कौन से तीन लेवल थे जिनके अकॉर्डिंग ये स्टडी की जाती है, ठीक। ह्यूमन सिविलाइजेशन को अकॉर्डिंग टू आर के मुखर्जी, विच ऑफ द थ्री लेवल्स, विच आर द थ्री लेवल्स टू स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में, कि बायोलॉजिकल और लेवल पे किस तरह से इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन का, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में उसमें आपको बायोलॉजी समझना होगा पूरा, कि किस किस तरह से हमको मानना जाता है कि जो मतलब हमारा जो इवोल्यूशन, जो अभी हमारा जो हाल है, जिस तरह से हमारी बॉडी अभी है वो पहले नहीं थी, ठीक, किसी और फॉर्म में थी, वो धीरे धीरे इवॉल्व होके जो है हमारी बॉडी इस तरह बनी है, ठीक। यूनिवर्सलाइजेशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मतलब जो आप जो है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल किसको कहते हैं, जो धार्मिक चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, ठीक। तो इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको बायोलॉजी तो पूछेगा नहीं।
रीजनल सोशोलॉजी जो पब्लिश हुई 1926 में, द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया 1926 में पब्लिश हुई, 27 में पब्लिश हुई। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928। फील्ड एंड फॉर्म ऑफ अवध, तो अवध की स्टडी इन्होंने किया था, ये आपको याद रखना है, अवध की स्टडी इन्होंने किया था, इसको याद रखना है आपको। फील्ड एंड फॉर्म्स ऑफ अवध, अवध मतलब पहले लखनऊ का नाम जो था वो अवध था, लखनऊ के रीजन को, लखनऊ को नहीं कह सकते आप, लखनऊ का जो रीजन है उसको जो है अवध कहा जाता है। फील्ड एंड फॉर्म्स ऑफ अवध जो 1929 में पब्लिश हुई। रीजनल बैलेंस ऑफ मैन, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938 में पब्लिश हुई। मैन एंड हिज हैबिटेशन, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में पब्लिश हुई। द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1940 में पब्लिश हुई। इंडियन वर्किंग क्लास 1945 में पब्लिश हुई। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में पब्लिश हुई। द डायनामिक्स ऑफ मोरल्स, अ सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स 1950 में पब्लिश हुई। रेसेस लैंड एंड फूड 1946। द सोशल फाउंडेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आर्ट 1948। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949। द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज 1960। द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964। द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन 1964। द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965। द वे ऑफ ह्यूमनिज्म ईस्ट एंड वेस्ट 1968। सोशल साइंसेज एंड प्लानिंग इन इंडिया 1970। तो सारी बुक से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एक ही बार पूछे गए हों, लेकिन पूछे गए हैं, तो आपको बुक तो पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 2-3 बार जो है माइंड में रख लेते हैं तो मतलब हो जाता है। आप बुक का नाम देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं तो उससे हो ही जाता है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, तो ये सारी बुक्स आपको याद होना चाहिए, और दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे वो याद होनी चाहिए। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी में उन्होंने क्या कहा है, वैल्यू में क्या कहा है, ठीक, रीजनल सोशोलॉजी के बारे में क्या कहा है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशोलॉजी, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, सोशल इकोलॉजी के फाउंडर हैं, बाकी इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इनके, बुक्स ज़्यादा हैं कॉन्सेप्ट कम है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एमके गांधी। गांधी के भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बुक्स भी नहीं है उनकी ज्यादा, 2-3 कॉन्सेप्ट सोशोलॉजी में पूछे जाते हैं गांधी के, जैसे ट्रस्टीशिप जो है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये सब कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ज्यादातर गांधी के। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में, वैसे तो आप लोग को पता है इसके इनके बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज एन इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल इथिक्स, ठीक, एम्प्लॉइंग नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, तो इन्होंने जो है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस किया था। ही लीड द सक्सेसफुल कंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो इन्होंने जो है बहुत सक्सेसफुल कंपेन चलाया था ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए। क्या अम्बेडकर से करें मतलब? ही इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर सिविल राइट एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, ये जो है सिविल राइट मूवमेंट और जो है फ्रीडम मूवमेंट चलाया था अक्रॉस द वर्ल्ड। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इनका जो जन्म हुआ था आपको पता ही है, इस दिन छुट्टी भी रहती है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर, और इनका असैसिनेशन हुआ था, मतलब इनको कत्ल किया गया था, इनको मारा गया था 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस न्यू दिल्ली।
एमके गांधी से पहले अंबेडकर नहीं, गांधी के बाद अंबेडकर करेंगे हम लोग, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि पहले आप गांधी को समझेंगे, क्योंकि गांधी को क्रिटिसाइज किया है अंबेडकर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, तो जब तक गांधी के बारे में आपको पता नहीं होगा तब तक आप अंबेडकर को नहीं समझ पाएंगे। ही वॉज एन आइडियलिस्ट, वो एक आदर्शवादी थे। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट, वो एक फंक्शनलिस्ट थे, मतलब वो ज्यादातर फंक्शनल चीजों की बात करते हैं, ठीक। वो एक कार्यात्मकतावादी थे। ही गेव स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया है। स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं कि अपने ही देश में डेवलपमेंट करने का जो मॉडल है उसको स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। उन्होंने विकास का स्वदेशी मॉडल दिया है। ही टॉक्स अबाउट स्वराज यानी कि होम रूल, ये स्वराज की बात करते हैं। स्वराज मतलब होम रूल, मतलब कि ब्रिटिश रूल नहीं होना चाहिए, होम रूल होना चाहिए। वो स्वराज यानी कि होम रूल की बात करते हैं, ठीक। हिंद स्वराज नाम की इनकी एक बुक भी है। कॉल अनटचेबल्स एज हरिजन, इन्होंने अनटचेबल को हरिजन कहा था, अछूतों को इन्होंने हरिजन कहा था। हालांकि हरिजन का जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज किया था नरसिंह मेहता ने, ठीक। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि वर्ड, इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार, ठीक। तो जो वर्ड है हरिजन का वो नरसिंह मेहता ने यूज किया था, लेकिन गांधी जी ने जो अनटचेबल को हरिजन कहा था, ठीक। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने ही वर्ड को गढ़ा था और इस वर्ड को पहली बार यूज गांधी ने नहीं किया था, बल्कि पहले नरसिंह मेहता ने किया था। यहाँ पे बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा था, अछूतों को हरिजन कहा था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है, वो सबसे पहले नरसिंह मेहता ने यूज किया था। कॉल ट्राइब्स एज गिरिजन, और ट्राइब्स को इन्होंने गिरिजन कहा, ठीक। अनटचेबल्स को हरिजन कहा है, लेकिन ट्राइब्स को गिरिजन कहा, जनजातियों को गिरिजन कहा, ठीक। स्टडी ऑन हिंदुइज्म, ये ज्यादातर स्टडी किए हैं इन्होंने, इन्होंने स्टडी किया है हिंदुइज्म पे, ठीक। हिंदू धर्म पर अध्ययन किया इन्होंने। सपोर्टेड कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ा मिल होती है उनको सपोर्ट करते हैं ये, ठीक। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट सोशोलॉजी में ज्यादातर पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का। अब ये ट्रस्टीशिप में कहते क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, ये सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो किसने प्रोपाउंड किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक। सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्ट कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, या ट्रस्टीशिप से रिलेटेड मतलब, या आपको ये भी दे सकता है कि लैंड रिफॉर्म में जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो एमके गांधी से रिलेटेड, या मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि अनटचेबल्स को हरिजन, और अनटचेबल को गांधी जी ने क्या नाम दिया था, हरिजन, और ट्राइब्स को क्या नाम दिया था, तो गिरिजन, ठीक। या आपसे पूछा जा सकता है हरिजन शब्द का यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हरिजन फर्स्ट यूज बाई तो नरसिंह मेहता हो जाएगा इसका, और ये भी क्वेश्चन इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था, तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ये हरिजन गिरिजन पूछ सकते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री और हिंदुइज्म की स्टडी ये इतना नहीं पूछा जाता। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। और इसमें क्या कहते हैं ये, इट प्रोवाइड्स अ मींस बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल, ठीक। तो इसमें क्या है, ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं ये, कि जो वेल्दी पीपल होंगे यानी कि जिनके पास पैसा होगा,
वो जो ट्रस्ट हैं उनके ट्रस्टीज होंगे, ठीक, और जो जो है जो जनरल पीपल है यानी कि जो पियर पुअर पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ठीक। तो यही है कि जो ट्रस्ट हैं अलग अलग टाइप के जो ट्रस्ट हैं उनके ट्रस्टीज होंगे कौन, वेल्दी पीपल होंगे, ताकि वो जो पुअर पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके। यह ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा धनी लोग उन ट्रस्टों के न्यासी होंगे जो सामान्य रूप से लोगों के कल्याण की देखभाल करते हैं, ठीक। तो ये ट्रस्टों के न्यासी होंगे यानी कि ट्रस्टों के जो ट्रस्टी होते हैं वो होंगे, मतलब कि जो क्या कहेंगे, ट्रस्टी किसको कहते हैं, जो उस ट्रस्ट को का मतलब मेन होता है, मेन आदमी होता है उसी को ट्रस्टी कहा जाता है, ठीक। तो ट्रस्टों के जो न्यासी होंगे वही जो है वो क्या कौन होंगे, धनी लोग होंगे, ठीक। तो गांधी कहते हैं जो ट्रस्टों के न्यासी होंगे वो धनी लोग होंगे, ताकि वो जो है जो गरीब लोग हैं उनकी उनके कल्याण की देखभाल कर सकें, ठीक, उनके कल्याण की देखभाल कर सकें। ये कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप का। महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप इज अ प्रैग्मेटिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट एम्स टू अटेन इकोनॉमिक इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो ये जो ट्रस्टीशिप का मॉडल था गांधी जी का, ये एक प्रैग्मेटिक मॉडल था डेवलपमेंट का, जो क्या जिसका एम क्या था, इकोनॉमिक इक्वलिटी को बनाना, सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो अगर ट्रस्ट के मालिक हो जाते हैं और वो जो है वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो अपना पैसा गरीबों में उड़ाएंगे, गरीबों में खर्च करेंगे, उड़ाएंगे नहीं मतलब गरीबों में खर्च करेंगे, तो जब गरीबों में खर्च करेंगे तो एक तरह की इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी, ठीक। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का विचार विकास का एक व्यवहारिक मॉडल है, तो विकास का एक व्यवहारिक मॉडल है जिसका उद्देश्य क्या था, समाज में आर्थिक समानता प्राप्त करना, ठीक, समाज में आर्थिक समानता प्राप्त करना, जो आर्थिक असमानताएं थी उनको खत्म करने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का मॉडल दिया। तो ये ट्रस्टीशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। द आइडिया इज एन अल्टरनेटिव टू कम्युनिज्म। ये क्या है, एक आइडिया है अल्टरनेटिव टू कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिज्म के साथ का अगर एक अल्टरनेटिव देखा जाए तो ये ट्रस्टीशिप हो सकता है। एंड कैपिटलिज्म एंड इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड इंक्लूसिविटी, ठीक। ये नॉन वायलेंस पे बेस्ड था, और इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी मतलब सारे लोगों को साथ लेके चलना, ठीक। ये विचार साम्यवाद और पूंजीवाद का एक वो विकल्प है, तो साम्यवाद और पूंजीवाद का एक विकल्प है और अहिंसा और समावेशिता पर आधारित है। अहिंसा और समावेशिता, समावेशिता मतलब सारे लोगों को एक साथ मिला के चलना, एक साथ लेके चलना, उसी को समावेशिता कहते हैं, ठीक। तो ये ज्यादातर अहिंसा और समावेशिता पर आधारित था, नॉन वायलेंस और इंक्लूसिविटी पर बेस था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया की बात करते हैं, ये भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक। कहते हैं कि पावर का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को ट्रांसफर किया जाना चाहिए निचले स्तर तक, निचले लेवल तक, ठीक, सेंटर पे नहीं होना चाहिए पावर, पावर का बंटवारा होना चाहिए निचले स्तर तक। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट, जो जैसे पंचायत होती है ना, उन सब वो सब लोकल गवर्नमेंट में आती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंचायत है, ठीक, तो ये सब क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं। जब पावर को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है, और इसी को सपोर्ट किया है गांधी ने, ठीक। जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकार, ठीक, स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, जैसे पंचायती राज है या मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक, अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो सब क्या आ जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट में आ जाती हैं, तो ये जो स्थानीय सरकारें हैं ये इनको अगर ट्रांसफर कर दिया जाए सत्ता, तो उसी को क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है, और विकेंद्रीकरण को ही गांधी जी सपोर्ट करते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से लोकल लेवल पे ही सेटल किया जा सकता है, मतलब लोकल लेवल पे ही उस प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। जैसे एक विलेज की अगर प्रॉब्लम है तो
तो सेंटर जरूरी नहीं है कि सेंटर उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, लेकिन विलेज का जो मुखिया होगा वो उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, तो उसको एक तरह की पावर होना चाहिए उस प्रॉब्लम को सेटल करने की। ठीक, तो यही आइडिया था इसके पीछे कि जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है उसको लोकल लेवल के जो नेता हैं या लोकल लेवल की जो सत्ता है वही समझ सकते हैं और वही उसको बेस्ट तरीके से सेटल कर सकते हैं। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार ये था कि बड़ी संख्या में समस्याएं और मुद्दे जो स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे तरीके से सुलझाए जा सकते हैं। तो बहुत सी समस्याएं और मुद्दे हैं जो स्थानीय होती हैं और स्थानीय लोग ही उसको समझ सकते हैं, स्थानीय जो सत्ता है वही उसको समझ सकती है। इसीलिए विकेंद्रीकरण जरूरी है, उनको कुछ पावर दिया जाए ताकि वो उन समस्याओं का को सुलझा सकें या उन परेशानियों को मुद्दों को सुलझा सकें। तो इसीलिए विकेंद्रीकरण का सपोर्ट करते हैं गांधी जी। विलेज रिपब्लिक की बात करते हैं। ठीक, विलेज रिपब्लिक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कि जब सेंटर से इकोनॉमी से लोकल लेवल पे ट्रांसफर कर दी जाए तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाएगी। द गार्डियन अप्रोच टू इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिवाइवल ऑफ विलेज इकोनॉमी। ठीक, तो ये जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, वो एक तरह से रिवाइवल था किसके लिए, विलेज इकोनॉमी के लिए, इन टू अ रिपब्लिक। ठीक, इन टू अ रिपब्लिक, कंप्लीट इन इट सेल्फ। कंप्लीट इन इट सेल्फ मतलब अपने आप में कंप्लीट है, विलेज की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में कंप्लीट हो, सेल्फ सपोर्टिंग हो मतलब अपने आप को सपोर्ट कर रही हो, सेल्फ सफिशियंट हो मतलब कि सारी जरूरतें लोकल लेवल पे विलेज लेवल पे ही पूरी हो जा रही हो, विद द इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जिसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री में, मतलब दोनों इंडस्ट्रियां जो है बराबर तरीके से बैलेंस वे में चलना चाहिए। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, ग्राम गणतंत्र में ये क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने आप में पूर्ण गणतंत्र में पुनर्जीवित करना था। तो जो ग्राम गणतंत्र था उसको जो है पुनर्जीवित करना था, मतलब कि जो विलेज है, जो गांव है, जो ग्राम है, वो अपने आप में ही इतने सक्षम हो कि अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने आप में ही वो आत्मनिर्भर हों। ठीक, कुटीर उद्योग, कृषि और कुटीर उद्योगों के बीच उचित संतुलन के साथ स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हों। ठीक, तो इन दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए, कृषि और कुटीर उद्योगों के बीच उचित संतुलन संतुलन बनाए रखना चाहिए, मतलब कि बराबर मात्रा में दोनों चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक जब बहुत ज्यादा बढ़ गई हो कोई बहुत कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कृषि और कुटीर उद्योग जो है वो अपना एक संतुलन बनाकर और जो ग्राम है वो आत्मनिर्भर हो स्वावलंबी हो, तो उसी को इन्होंने ग्राम गणतंत्र का नाम दिया। ही सपोर्ट हिंदू आइडियाज एंड वैल्यूज, तो ये ज्यादातर हिंदू आइडियाज और वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। ठीक, वो हिंदू विचारों और मूल्यों का समर्थन करते हैं, वेजिटेरियन भी थे ये। ठीक, देयर शुड बी राम राज, और ये चाहते हैं कि राम राज होना चाहिए, राम राज होना चाहिए, लेकिन राम राज मतलब जो इन्होंने फीचर्स बताए थे राम राज के, वो कहते हैं कि बेस्ट तरीका होगा कि अगर इंडिया में राम राज आता है तो उसमें सारे लोगों का फायदा होने वाला है। ठीक, राम राज को ये ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। अहिंसा और वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक, अहिंसा और शाकाहार को सपोर्ट करते हैं ये। ठीक, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, यानी कि कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। ठीक, सपोर्ट वर्ना मॉडल, वर्ना मॉडल को भी सपोर्ट करते हैं ये, यानी कि कास्ट सिस्टम को भी ये सपोर्ट करते हैं, वर्ना मॉडल का समर्थन करते हैं, वर्ण मॉडल का समर्थन करते हैं। सर्वोदय मॉडल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, सर्वोदय मॉडल। टॉक्स अबाउट मॉरल एजुकेशन एंड वैल्यूज, तो मॉरल एजुकेशन और वैल्यूज की बात करते हैं ये, नैतिक शिक्षा और मूल्यों की बात करते हैं। फाउंडेड वर्धा एजुकेशन कमेटी, वर्धा एजुकेशन कमेटी इन्होंने बताया बनाया था। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। वर्धा एजुकेशन कमेटी इन्होंने बनाया था, वर्धा शिक्षा समिति की स्थापना की थी, नई तालीम की
की स्थापना किया था इन्होंने, नई तालीम के बारे में बात करते हैं। ठीक, सोशल मूवमेंट। अब इनके कौन कौन से सोशल मूवमेंट थे वो हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक आंदोलन इन्होंने कौन कौन से किए या कौन कौन से आंदोलन में इन्होंने पार्ट लिया था। ठीक, इंडियन नेशनल नेशनलिस्ट मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट के, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के। ठीक, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुई थी 1917 में, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में 1917 में हुई थी, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पीजेंट्स मूवमेंट में। ठीक, चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में हुई, जिसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था, मतलब गांधी जी ने ही इसको इनिशिएट किया था। चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है 1917 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। असहयोग आंदोलन 1920 जो अगेंस्ट ब्रिटिश था। नॉन कॉपरेशन मतलब कि जो लोग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे थे उनसे ये कहा गया कि आप जो है काम नहीं करेंगे। ठीक, ये सारे मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन मोमेंट्स क्या मॉडल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाकी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या जो कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके उनका ये था कि वो नॉन मतलब कॉपरेशन ना करें गवर्नमेंट को, ताकि मतलब गवर्नमेंट जो है खुद ही, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो खुद ही छोड़ के चले जाए। ठीक, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 से 1945 तक चला। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1945 तक चला। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1930 1932, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से ही जाना जाता है ये, गोलमेज सम्मेलन नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से ही जाना जाता है। उन्नीस सौ तीस से 1932। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गांधी इरविन पैक्ट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। गांधी इरविन पैक्ट था क्या, देख लेते हैं। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता था, जो 1931 में हुआ था। दिस पैक्ट वॉज साइंड बाई गांधी टू रिलीज द प्रिजनर हु वरंट वायलेंट ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये पैक्ट था जिसमें गांधी जी ने ये एक मतलब एक पैक्ट को साइन किया था, किस लिए, ताकि उन प्रिजनर को निकाला जा सके जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन उनको जेलों में डाल दिया गया था, जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन वो वायलेंट नहीं हुए थे। वायलेंट मतलब कि उन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मतलब नॉन वायलेंट थे और फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उनको निकालने के लिए ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जिसको गांधी जी ने साइन किया। That was very brutally stopped by British. ठीक, जिसको बहुत मतलब brutally, बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, हिंसक तरीके से अंग्रेजों ने उसको रोका था। ठीक, इस समझौते पर गांधी जी ने उन कैदियों को रिहा करने के लिए हस्ताक्षर किए थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक नहीं थे। ठीक, तो उन्होंने हिंसा नहीं की थी जिसको अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ रोका था। तो उन सब जो जिन जो जेलों में बंद थे उन कैदियों को निकालने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्या हुआ था? पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, तो ये 1932 में हुआ था। तो ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जो किसके बिहाफ में था, दलित के बिहाफ में था, डिप्रेस क्लास के बिहाफ में था, एंड अपर कास्ट हिंदू लीडर ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट फॉर द डिप्रेस क्लासेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक, तो ये साइन हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि अंबेडकर ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल हो जो डिप्रेस क्लास है इंडिया में उनके लिए, तो इसके लिए साइन हुआ था गांधी मतलब पूना पैक्ट जो साइन हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। ठीक, ही वॉज अगेंस्ट रिजर्वेशन, ऑल्दो जो है वो गांधी जो है रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे।
एक वो रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अंबेडकर जो है वो रिजर्वेशन के लिए ही लड़ रहे थे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, ब्रिटिश भारत की विधायिका में दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर दलितों, दलित वर्गों और उच्च जातियों के हिंदू नेताओं और की ओर से महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। ठीक, तो पूना पैक्ट जो है गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, जो किसके लिए था, जो ब्रिटिश की भारत की विधायिका थी, मतलब कि जो उसमें जो है अलग से सीट के आरक्षण के लिए दलितों के लिए या दलित वर्गों के लिए और उच्च जातियों के लिए एक अलग से सीट के लिए एक समझौता था, जो किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है 1932 में हुआ था। आल्दो जो गांधी हैं वो आरक्षण के खिलाफ थे, ठीक, गांधी जो है वो हमेशा आरक्षण के खिलाफ थे। अगेंस्ट द अपार्थाइड 1948 टू 1994 इन साउथ अफ्रीका वॉज द रेशियल सेग्रीगेशन अंडर द ऑल वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच डिक्टेटेड दैट नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वर रिक्वायर्ड टू लिव इन सेपरेट एरियाज फ्रॉम वाइट एंड यूज सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज। तो ये इसके भी अगेंस्ट थे, गांधी जो है अपार्थाइड के अगेंस्ट भी थे, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, रेशियल सेग्रीगेशन हुआ था, एक रेस के बेसिस पे लोगों को अलग अलग किया गया था। अंडर द ऑल वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका विच डिक्टेटेड दैट नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन, तो जो डिक्टेट करते हैं कि जो नॉन वाइट और वाइट साउथ अफ्रीकन है, यानी कि जो वाइट नहीं है, अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में थी, वो रिक्वायर्ड टू लिव इन सेपरेट एरियाज। तो जो साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक रेशियल सेग्रीगेशन किया था, मतलब लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, और ये कहा था कि जो वाइट हैं उनके लिए अलग जगह होंगी रहने के लिए, और जो नॉन वाइट हैं वो अलग जगह पे रहेंगे। हालांकि जो नॉन वाइट थे उनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, मेजॉरिटी में नॉन वाइट ही थे, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट वाइट की थी इसीलिए इस तरह का काम किया गया था, और इसके खिलाफ गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई थी। ठीक, और उनकी पब्लिक फैसिलिटीज भी अलग अलग कर दी गई थी नॉन वाइट की वाइट से। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ थे ये। दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ सरकार के तहत, स्वेच्छ सरकार के तहत नस्लीय अलगाव था। ठीक, तो जो दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ सरकार, यानी कि जो सफ़ेद लोगों की, यानी कि वाइट लोगों की जो सरकार थी, उन्होंने एक नस्लीय अलगाव किया था, जिसके बेसिस में उन्होंने कहा कि जो गैर सफ़ेद लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के, जिनकी आबादी जो है अधिकांश की गोरों से ज़्यादा थे, ये वो गोरों से अलग रहेंगे, और जो है उनकी जो सार्वजनिक सुविधाएं भी हैं वो अलग होंगी, और इसके खिलाफ आवाज उठाया था गांधी जी ने। गार्डियन कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन सर्कल, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। एशियन सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है गांधी के अकॉर्डिंग, डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ एशियन सर्कल। तो इन्होंने सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को एशियन सर्कल के फॉर्म में, एशियनिक सर्कल के फॉर्म में जो है बताया है, ठीक, डिस्क्राइब किया है। गांधी पुट्स फॉरवर्ड दैट हिज अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर शैल बी कंपोज ऑफ इनोमरेबल विलेज इन विच देयर विल बी ओवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग सर्कल। ठीक, तो इन दिस फ्रेमवर्क लाइफ विल नॉट बी अ पिरामिड विद अपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम। तो लाइफ जो है पिरामिड की तरह नहीं होगी, जिसमें जो है बॉटम को सस्टेन किया जाए। ठीक, महासागरीय वृत्त की गांधीवादी अवधारणा क्या थी। महासागरीय वृत्त की के रूप में समाज के संगठन का वर्णन करते हैं गांधी। आगे कहते हैं कि उनकी वैकल्पिक संरचना असंख्य गांव से बनी है। ठीक, तो उनकी जो वैकल्पिक संरचना है वो गांव से ही बनी हुई है। ठीक, जिसमें सदा चौड़ा कभी ना चढ़ने वाला वृत्त होगा। ठीक, सदा चौड़ा मतलब हमेशा चौड़ा ही रहेगा। ठीक, एक वृत्त मतलब क्या होता है, सर्कल होता है, कभी ना चढ़ने वाला। इस ढांचे में जीवन एक पिरामिड नहीं होगा जिसका शीर्ष तल द्वारा समर्थित। ठीक, तो जिस एक पिरामिड क्या होता है,
पिरामिड इस शेप का होता है, ये ज्यादातर तल द्वारा ही समर्थित होता है, अगर तल ना रहे तो पिरामिड टिक नहीं सकता, लेकिन सर्कल क्या है, वो अपने आप में टिका होता है। ठीक, इसी को वो सपोर्ट करते हैं कि जो विलेज हैं, उनकी जो संरचना है, उनका जो सिस्टम है पूरा, वो इसी तरह होना चाहिए, एक असीन सर्कल की तरह, असीनिक सर्कल की तरह, और महासागरीय वृत्त की तरह होना चाहिए। ठीक, तो ज्यादातर असीन सर्कल का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है, बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बुक्स देख लेते हैं गांधी की कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली बुक जो आती है उनकी, वो है हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, जो 1909 में पब्लिश हुई थी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1927 में पब्लिश हुई थी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 में पब्लिश हुई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम 1948, की टू हेल्थ 1948, 1947 में इंडिया ऑफ माई ड्रीम, की टू हेल्थ 1948। तो ये पांच बुक हैं गांधी की, ज़्यादा बुक्स नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट हैं आपके पास। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लीव करते हैं।